नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इंडियन टेक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप दोस्तों कैसे अपने, जैसे आपका आधार कार्ड खो जाता है तो आप उसका आधार का नंबर अपना कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है इस वीडियो में और जानना है कैसे करेंगे आप ये सब, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे तो पहले आपको अपने कंप्यूटर में आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, ये आपको जो है सर्च करनी है। वेबसाइट है दोस्तों रेजिडेंट, ठीक है, डॉट रेजिडेंट डॉट UIDAI डॉट नेट डॉट इन। ठीक है, ये वेबसाइट आपको जो है वो सर्च कर लेनी है। आप देख सकते हैं रेजिडेंट डॉट UIDAI डॉट नेट डॉट इन। ठीक है, तब आप इसे सर्च करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगी तो आप नीचे की तरफ आइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ये रहा रिट्रीव लॉस्ट UID स्लैश EID। ठीक है, आपको इस ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा वो ऑप्शन रिट्रीव लॉस्ट UID स्लैश EID। ठीक है, आप जब यहाँ पर आ जाएंगे आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है फुल नेम डालना है। ठीक है, जिस भी बंदे का निकाल रहे हो, ईमेल डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और ये जो सिक्योरिटी कोड दे रखा है ये आपको यहाँ पर डालना। कौन सा सिक्योरिटी कोड दे रखा है? ये वाला। ठीक है ना, जो भी ये सिक्योरिटी कोड दे रखा है ये आपको डाल देना है इस वाले डब्बे में। आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने की, इस वाले डब्बे में आप इसे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर इस वाले सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद सेंड वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया आपको फुल नेम डालना है, यहाँ पर चाहे तो आप ईमेल डालिए, ठीक है, चाहे आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल पे अगर आप डालेंगे तो ईमेल पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद जो पासवर्ड आएगा वो आपको यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है एंटर OTP का, आपको वो वाला पासवर्ड इस वाले डब्बे में डालना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डब्बा है, इस वाले पासवर्ड में आपको डाल के वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये सब दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, जो भी बंदे का फर्स्ट नेम हो वो आप डाल दीजिए। ठीक है, सेम जैसे आधार कार्ड पे लिखा हुआ था वैसे ही डालना है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि उनका नेम जो था वो पूरा नेम क्या लिखा था उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही होता है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे दे रखा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दे रखा है मैंने वो यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए सेंड वन टाइम पासवर्ड, ये जो सेंड वन टाइम पासवर्ड लिखा है अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। कर दिया क्लिक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो जाएगी शुरू। और जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग जब कंप्लीट होगी तो आप जो है देखिए नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए एक लिखा हुआ मिलेगा OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। आपका जो यहाँ पे OTP है वो इसने आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया है और वो आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल जो है मेरा, और मैं आपको यहाँ पर मेरे मोबाइल पर मैसेज आ चुका है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और ये जो है यहाँ पे मोबाइल पे लिखा हुआ है सिर्फ 5 मिनट के लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे वो OTP डाल देता हूँ। OTP है दोस्तों 3599 43, ये मेरा OTP आया। मैं वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार नंबर UID सेंड टू योर मोबाइल। यहाँ पे इसने मेरा जो आधार नंबर है वो मेरे मोबाइल पे सेंड कर दिया है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में एंड में दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डाउनलोड आधार, ठीक है, अपडेट आधार डिटेल्स और आधार सर्विसेज, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ मुझे बतानी थी वो ये थी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो आधार का नंबर है वो आपके मोबाइल पर आ जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे आएगा, ठीक है ना, और इस वीडियो के एंड में आपको उसका एक जो है स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो आपसे मिलूंगा एक नेटिव पेट्रिक लेके, लेकिन दोस्तों एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्क्रीनशॉट मिलेगा एंड में। ठीक है,
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन।